हजार का रूम लिया और 200 रुपए का भी स्टे नहीं किया। ऐसे वास्तव में नहीं पैसे तू ही। तो अभी हम एक रोड ट्रिप पे जाने वाले हैं। ओके ड्राइव सेफ एवरीबॉडी। ऑटो तो नंतर बोलतो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रितिक संग्रे एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो मैं और निर्मल हम साथ में मुंबई जा रहे हैं क्योंकि एक रोड ट्रिप पे जाने वाले हैं हम लोग। कहाँ पे जाने वाले हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा। लेट्स गो। वहाँ पीछे ट्रेन है। फाइनली इन विरार। सुबह 6 बजे हम निर्मल के घर पे आए थे और अभी सुबह के 10 बजे हैं और हमें सिर्फ 3 घंटे की नींद मिली है। हम बीच बीच में सो रहे थे ट्रेन में बैठे बैठे, पर कैसा होता है ना कि जब तक अपनी बैक ज़मीन से टच नहीं होती ना, तब तक लगता ही नहीं कि हम सो रहे थे। तो अभी हम एक रोड ट्रिप पर जाने वाले हैं। वो कहाँ पर जाने वाले हैं वो मैं आपको रास्ते में बता दूँगा, पर अभी हम घर से निकलते हैं। सी यू। गणपति अप्पा। मुझे बताओ कि पिंपल्स कब आते हैं, पानी कम पीने की वजह से या गर्म चीजें खाने के बाद? नहीं, पिंपल तब आते हैं जब हम कहीं बाहर जाने वाले होते हैं या हमारा कोई शूट होता है। 115 रुपए वाली कॉफी ऑर्डर की थी। मला ना सौरभचा कॉल आला आणि त्याचा कॉल नेहमी मला सकाळीच येतो जेव्हा मी झोपलेला असतो, तर कॉल करतो आणि वेगवेगळे प्रश्न विचारतो रे आणि मला काही शुद्ध नसते बोलतो। आणि ते एक्सप्रेसो शॉर्ट असतं की एस्प्रेसो शॉर्ट असतं काय विचारतोय? बोललो एक्सप्रेसो शॉर्ट असतं। ठीक आहे आणि ठेवला असं असं असतं। बस असं असतं। एक एक प्रश्न विचारायला फोन करतो असं असतं। होय आणि बोलतो ठीक आहे नंतर करतो नंतर करतो नंतर करतो नंतर करतो बोलतो आणि कधीच करत नाही। अभ्यास झाला। सौरभ बंदे वक्त बदल झाला, जज्बात बदल झाले। ओके ड्राइव सेफ एवरीबॉडी। मैं चाहता हूँ कि भगवान हम सबको इतनी बरकत दे कि इन जैसे कहियों की हम लाइफ बेटर कर सके। आते आते रोड के साइड में ये एक भैया मिले जो गाड़ी से उतर के गाड़ी चला रहे थे, तो इनको अब हम टो देते देते पेट्रोल पंप तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं।
तो लगे हाथ हम भी पेट्रोल भर लेते क्योंकि आगे जाके हमें किसी से टोल लेने की ज़रूरत ना पड़े। अभी अभी हमारा 500 रुपये का चालान कटा है सिग्नल तोड़ने के लिए, दरअसल वो हमें दिखाई नहीं था, पर आप ये दिखना। जी हाँ, ये हमारी फर्स्ट रोड ट्रिप है और हम मुंबई से पुणे जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में लोनावला आने वाला है। बोलो जय श्री महाकाल। हम 5 मिनट्स रेस्ट करने के लिए स्टॉल पे रुके हैं और हमारे रुकने के बाद ही ज़ोरदार बारिश चालू हो गई और हमें अब पता चल रहा है कि हम हमारे रेनकोट्स मुंबई में ही भूल चुके हैं। ऐसा क्यों लगा कि ये ट्रक हमें हमारे रेनकोट की वजह से चिढ़ा रहा है? पहली बार आ रहा हूँ मैं, कभी खंडाला लोनावला गया नहीं हूँ, पर अब मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है कि लोग खंडाला लोनावला क्यों घूमने आते हैं। अभी मुंबई से निकल के हमें 5 घंटे हो गए और अभी हम खंडाला में हैं और अभी 2 घंटे बचे हमें पुणे पहुँचने के लिए। ये ठीक से शॉप देख लेना, मगनलाल चिक्की। ओके, और एक दिखा दो, ये देखो और एक मगनलाल चिक्की, यहाँ पर भी है एक मगनलाल चिक्की और आगे भी दिखा दो मगनलाल चिक्की, आगे भी है, अरे इतने सारे मगनलाल चिक्की दिखा रहे मैंने। मेरे को लगता है कि इधर के लोग खाने में चिक्की खाते हैं। और एक मगनलाल चिक्की, अरे भाई कितने मगनलाल चिक्की, अरे वो उधर भी मगनलाल चिक्की, यहाँ पर मगनलाल चिक्की, मगनलाल चिक्की, मगनलाल चिक्की, मगनलाल चिक्की, बाजू बाजू में मगनलाल चिक्की। बंटे ये मगनलाल चिक्की मेरे सपने में आने वाला है रात को, कितना मगनलाल चिक्की, मगनलाल चिक्की। या तो हमें वो हो रहा है, वो होता है ना चकवा लगला, चकवा मगनलाल चिक्की तो चकवा लगला वाला। मगनलाल चिक्की देखते देखते हम फाइनली पुणे में पहुंच चुके हैं, अब हमें अच्छा सा होटल देख के रेस्ट करना है। फाइनली हम पुणे पहुंच गए। हम सुबह 10 बजे निकले थे और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। सफ़र एकदम बहुत सही था, इतने सारे सुंदर नज़ारे मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे थे। मेरे को तो लगता था बस हमारा कोकण ही सबसे प्यारा है, पर नहीं, मानना पड़ेगा कि भाई लोनावला खंडाला इस क्रेज़ी भाई, नेचर ब्यूटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो अभी हम फ्रेश होंगे, आई सी यू ना क्या तो हमने ये रोड ट्रिप प्लान की थी किसी और जगह के लिए, पर रास्ते में ही निर्मल का एक काम था पुणे में जो कि हमारे मेन लोकेशन से थोड़ा नज़दीकी है, तो हम लोग ने सोचा कि पहले पुणे जाते हैं, जो है काम वो कंप्लीट करते हैं, फिर हमारे मेन लोकेशन के लिए निकलते हैं। तो निर्मल अभी उसके काम के लिए जा रहा है, तो मैं बैठे बैठे क्या करूँ अकेला रूम में, तो मैं भी मेरे एक दोस्त के साथ पुणे में जा रहा हूँ क्योंकि मैं कभी पुणे में घुमा नहीं हूँ। तो देखते ये दरवाज़ा कैसे खुलता है। बहुत अरे वाह, इजी है।
देखो ये लड़की मुझे तुलसी बाग दिखाने लेके आ गई। तुलसी बाग, अब बाग मतलब मेरे को लगा तुलसी गार्डन रहेगा, पर ये तो मार्केट निकला। तुलसी बाग दाखो दी। हाँ, मेरे को तुलसी बाग का वो बता, तुलसी बाग की घर कर दे। तुलसी बाग है मार्केट है, त्याला फक्त नाव आहे तुळशी बाग। खूप मोठा गैरसमज मध्ये होतो लहान असल्यापासून। मला वाटलं होतं तुळशीची बाग असेल, बागेत एक बाग असेल मस्त, त्या तुळशीची झाडच झाड असते। कॉफी लेनी है और यहाँ पे लेक का व्यू लेते लेते कॉफी पीनी है। दैट्स ग्रेट। आठवतो नंतर बोलतो। सुबह के 3:48 बजे है और हम अभी जाके हमारे होटल पे वापस आ चुके हैं। हम लोग ने शाम को 7 बजे चेक इन किया था और 8 बजे हम फ्रेश होके निर्मल अपने मीटिंग के लिए चला गया और मैं मेरे दोस्त के साथ शनिवार वाड़ा के यहाँ पर घूमने गया था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद निर्मल मुझे लेने के लिए आया था, फिर हम लोग ने खाना खाया, थोड़ा वहाँ पर घूमे फिरे और अभी जाके हम होटल पर वापस आ गए। हम लोग ने सोचा था कि सुबह 6 बजे हम लोग चेकआउट करके दूसरी जगह पे जाएंगे। देखो, 1,500 का रूम लिया और 200 रुपये का भी स्टे नहीं किया, ऐसे वाचना रहे पैसे तुम्हें। तो सुबह हम वहाँ जाने वाले हैं जिसके लिए हमने ये रोड ट्रिप प्लान की थी, और इस होटल का टूर मैं कल सुबह चेकआउट करते करते दे दूँगा। ओके, आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस, पीस आउट। एंड अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, योर चैनल, माई चैनल। ओके, सी यू। ये मगनलाल चिक्की बंटे, ये मगनलाल चिक्की मेरे सपने में आने वाला है रात को। जिंदगी खराब कर रहा है, आप अपना टाइम खराब मत करिए। तो हमने अभी अभी ये क्रासुला प्लांट लिया है, ये मनी प्लांट है, ये पैसा मैग्नेट की तरह खींच खिलाता है, ऐसा लोग कहते हैं। देखते हैं अभी कितना पैसा आता है मेरे दोस्त के पास। 1,000 थोड़ी माती टाक आजूबाजूला आणि ते आतले कुंडी काढ आणि बाहेरचे चट्टा। एक्झाम दिली तुझी? ना, एक्झाम झाली, आत्ताच झाली। ओके, ये स्टुडिओ मध्ये। थँक्यू। ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।